हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टाइम अर्न में आपका स्वागत। थंबनेल देख के आपको पता लग ही चुका होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, आप एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। मैं सारा चीज़ आपको एक बाय एक करके बताऊँगा। तो दोस्तों, इस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फॉरगेट पिन करने के लिए आपको सबसे पहले अमेजन एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद अमेजन पे ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। अमेजन पे लिखा रहता है, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ऊपर में अमेजन पे यूपीआई का ऑप्शन आएगा, नीचे में आपका मोबाइल नंबर रहता है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जहाँ पर मैंने ग्रीन सर्कल बनाया था। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कुछ इस तरह से। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा आपके बैंक अकाउंट के सामने। देखिए यहाँ पे है थ्री डॉट, आपको इसी थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है फॉरगेट पिन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से तीन ऑप्शन आएगा, चेंज बैंक अकाउंट, चेंज यूपीआई पिन और फॉरगेट यूपीआई पिन। अगर आप यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो आप यहां से फॉरगेट कर सकते हैं, और चेंज भी करना है तो यूपीआई पिन चेंज भी कर सकते हैं और बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें अभी फॉरगेट पिन करना है, जैसे कि मैं अपना पिन भूल चुका हूं तो मैं क्लिक कर दिया हूँ तीन नंबर पर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको आपका एटीएम कार्ड का लास्ट सिक्स डिजिट नंबर देना होगा। उसके बाद एक्सपायरी मंथ का जो लास्ट ईयर होता है वो डालना है, तो ये सब आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना सारा चीज़ डाल दिया हूँ, और सेट योर पिन यूपीआई पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ी देर के बाद वेटिंग लेगा, सेटिंग और यूपीआई पिन जनरेट हो रहा है, आपको टाइम लगेगा इसमें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको अपने नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के और यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोलेगा आपका। आप यूपीआई पिन नया सेट कर लेंगे और जो भी यूपीआई पिन होगा वो देखिए यूपीआई पिन इज सक्सेस सेट सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस तरह से आप भूले हुए पासवर्ड को यूपीआई पिन को आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले।